हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे ही होंगे। तो गाइज, यहाँ पे मैं कपड़े धो रही हूँ। दोपहर का टाइम है, लगभग 1 बजे का। कपड़े मैंने सुबह के टाइम भी मतलब 10-11 बजे भिगो दिए थे, उसके बाद मैं साइड पे चली गई थी। तो मेरा मतलब 1 साल से ऐसे ही चल रहा है, जब तक मतलब काम पूरा नहीं हुआ तो उधर भी भागना पड़ता घर में भी। तो इसलिए मैंने बाथरूम भी अपना साफ नहीं किया, देखिए कितना गंदा सा पड़ा है। तो जिस दिन कपड़े धुलने होते हैं तो मैं यही सोचती हूँ कि कपड़े धुलने के बाद ही बाथरूम साफ़ करूँ। तो मैंने ये बाल्टी में काफ़ी टाइम से भिगा रखे हैं, और डेली वेयर के कपड़े इतने गंदे नहीं होते, लेकिन बच्चे बाहर खेलने जाते हैं तो इनके कपड़ों पर साबुन भी लगाना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर साबुन भी रखा है, फटाफट करके मैं कपड़े धुल लेती हूँ। और आप, मैंने जो वीडियो डाली थी ये बाथरूम क्लीनिंग की, टाइल क्लीन करने वाली, तो उस पर आप लोगों का बहुत प्यार मिला, बहुत सपोर्ट किया आप लोगों ने। तो प्लीज़ ऐसे ही वीडियो को थोड़ा देख के कमेंट कर दिया करें, और जो लोग वीडियो देखते हैं ना वो कमेंट भी कर दीजिएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं और आप कैसे वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो हमें भी पता चले कि कौन कौन लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं। बहुत सारे लोग देखते हैं, कमेंट नहीं करते हैं तो पता नहीं चलता ना किसने वीडियो देखी है। तो फटाफट करके मैं कपड़े को साबुन लगा लेती हूँ। सभी पे नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैंने सर्फ में भिगो रखे हैं, जिस पे ज़रूरत होगी साबुन लगाने की तो उस पे लगाऊंगी। उसके बाद 2-3 पानी से खंगालने के बाद तो सारे कपड़े में पहले साबुन लगा लेती हूँ। बच्चों के कपड़ों पर लगाना होता है, अपने कपड़ों में तो मैं साबुन नहीं लगाती हूँ, बहुत कम लगाती हूँ। जब से मैं साइड पे चली गई हूँ, वहाँ मिट्टी धूल लग गया ना कपड़ों पे, तब ही जो मैं घर में पहनती हूँ उनमें ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि डेली चेंज कर रहे हैं तो सर्फ में भिगा देने से ही हो जाते हैं वो साफ। तो गौरव के कपड़े ज़्यादा गंदे होते हैं, ये जाता है बाहर फुटबॉल खेलने के लिए और इतने गंदे रहते हैं ना इसके कपड़े, तो इन पर तो साबुन लगाना ही होता है। तो फटाफट करके इस तरह से मैंने साबुन लगा लिया। उसके बाद बरस से भी रगड़ने होते हैं, बहुत ज़्यादा गंदे रहते हैं इसके कपड़े, तो फटाफट करके धो लेती हूँ। और इससे काफ़ी मदद मिलती है, जैसे कपड़े पहले के भिगो के रखे हैं ना तो मैल आसानी से छूट जाता है, कुछ मैल तो पहले ही निकल जाता है। तो फटाफट करके मैं धुल लेती हूँ कपड़ों को। और इतनी लेट हो गई थी, मैं पीहू को स्कूल से लेके आ गई थी 1 बजे, उसकी छुट्टी होती है 1:15 बजे का टाइम है, तब जाके मैं कपड़े धुल रही हूँ। तो मैंने कपड़े धो लिए हैं, बस अब खंगाल रही हूँ। साथ ही साथ मैंने बाथरूम भी साफ़ करना है। खाना का मतलब टाइम हुआ था मेरा 2:30-3 बजे का टाइम हो गया था, तब जाके खाना हुआ। ऐसे होता है गाइज, बहुत 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 ज़्यादा बिजी मतलब लाइफ हो गई है। तो इसी तरह से मैं 2-3 पानी से इनको खंगाल लेती हूँ। उसके बाद बाथरूम क्लीन करना, फिर उसके बाद तब मैं नहाई, तब जाके खाना हुआ हमारा। बहुत लेट हुआ, इतनी थक गई थी ना मैं। तो चलिए, 1 पानी से तो मैंने खंगाल लिए, 1-2 पानी से और खंगालती हूँ। तो देखिए, इसी पानी से मेरा बाथरूम साफ़ हो रहा है, फिर लास्ट में एक बार मैं झाड़ू से इसको या वाइपर से साफ़ कर दूँगी। चलिए फिर से इनको खंगाल लेती हूँ। तो ये देखिए अभी कितना गंदा दिख रहा था ना बाथरूम, तो मैंने साबुन का पानी नीचे घेर दिया था, और कुछ कपड़े दूसरी बाल्टी में, जैसे किचन के वो होते हैं ना कपड़े जो किचन स्लेब साफ करने वगैरह, तो वो मैंने इसी में भिगो के छोड़ दिए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। मैंने सोचा कि नहाने के बाद, खाना खाने के बाद बाकी के कपड़े जो छूट गए ना इनको बाद में वॉश करूँगी। तो जितने मैंने धुले इनको छत में फैला के आती हूँ, फिर बाथरूम साफ करके फिर नहाना। बहुत बुरी हालत हो जाती है सच में। तो ये देखिए, मैंने ये धुल लिए, इनको छत में डाल के आती हूँ। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।